हेलो भाई लोग, तो कैसे आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। मेरा नाम है विक्की प्रसाद और हमारे इस प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का परागण। ठीक, तो फटाफट आप लोग अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक है हम लोगों का परागण। तो परागण क्या है? परागण पढ़ाने से पहले पिछले क्लास का आप लोगों को कुछ रिविजन करवाए। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लैंगिक प्रजनन के बारे में, और लैंगिक प्रजनन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे फूल के कुछ पार्ट के बारे में। ठीक, तो फूल में चार चक्र होते हैं, दल चक्र, वाह्य दल चक्र, जयांग और उमंग। तो जिन फूलों में ये चारों चक्र पाए जाते हैं उस फूल को बोलते हैं पूर्ण फूल। ठीक, तो पूर्ण फूल के हम दो चक्र बना रहे हैं, और वो दो चक्र जो है वो दो चक्र क्या है, एक है जयांग बनाएंगे और एक है उमंग। ठीक, चलिए तो ये फूल का क्या है, जयांग, और ये क्या है, उमंग। ये जयांग है और ये उमंग है। ये फूल का फीमेल पार्ट है और ये फूल का मेल पार्ट है। और जिस फूल में नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही रहता है उस फूल को द्विलिंगी फूल कहते हैं, और जिसमें केवल नर जननांग हो या फिर केवल मादा जननांग हो उस फूल को एकलिंगी फूल कहते हैं। तो यहाँ पर फूल के दो जनन अंग के बारे में, ये दो जनन अंग बनाए हैं, वो दो जनन अंग कौन कौन सा है, एक है जयांग और एक है उमंग। जयांग के अलग अलग भागों के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो इस वाले भाग का नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल वही जो सोच रहे हम लोग, स्टिग्मा। इस वाले भाग का नाम क्या था? स्टिग्मा। ठीक है, ये वाले भाग क्या था? इस वाले भाग का यहां से लेकर यहां तक जो भाग है इसको बोलते हैं स्टाइल, और इस वाले भाग का नाम है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, इसका वर्तिका ग्रह, और ये क्या था, अंडाशय था। अंडाशय के अंदर क्या रहता है, बीजांड रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है, अंड रहता है। ठीक ना, बहुत बढ़िया। और ये फूल का कौन सा भाग है, पुमंग, मेल, ये मेल पार्ट है। और पुमंग का इस वाले भाग को क्या बोलते थे, पराग कोष, पराग कोष। और पराग कोष के अंदर क्या रहता था, पराग कण। ठीक है, ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग का टॉपिक है परागण। परागण क्या है? ठीक, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, परागण। तो परागण क्या है, फूल के पराग कणों का स्टिग्मा के ऊपर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, फूल के पराग कणों का स्टिग्मा के ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। लिख रहे हैं परागण के बारे में यहां पर, परागण, परागण क्या होता है, तो फूल के पराग कणों का स्टिग्मा पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान। अब ये परागण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार के परागण होते हैं भाई? परागण होते हैं दो प्रकार का, और दो प्रकार के परागण कौन कौन से हैं? एक है स्व परागण, तो परागण, और एक होता है परपरागण। ठीक, एक होता है स्व परागण और दूसरा क्या होता है, परपरागण। आई बात समझ में? चलिए दिख रहा है, देख लिए। तो स्व परागण क्या होता है, तो स्व परागण बनाने बताने के पहले आप लोगों को बता रहे, एक फूल बन, फूल प्यारा सा फ्लावर का चित्र बनाए। ठीक है, प्यारा सा बनाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग का जो फूल है, मान लीजिए, तो स्व परागण क्या होता है, यदि
का परागण उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। क्या बोले हैं, यदि एक फूल के परागकण यदि उसी फूल के स्टिग्मा या फिर उसी पौधे के अन्य फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस क्रिया को बोलेंगे स्वपरागण। ठीक, यदि एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा या फिर उसी पौधे के अन्य फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस परागण को बोलेंगे क्या, स्वपरागण। ठीक है, और परपरागण क्या होता है, यदि एक फूल के का परागण किसी अन्य एक फूल का परागण किसी अन्य फूल के वो फूल यहां पर है, यदि एक फूल का परागकण किसी अन्य फूल मतलब किसी अन्य पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस क्रिया को बोलेंगे परपरागण। ठीक है, बहुत बढ़िया। पराग स्वपरागण क्या होता, किसे कहते हैं, यदि एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा या फिर उसी पौधे के अन्य फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस क्रिया को बोलेंगे स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है, यदि एक फूल का परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस क्रिया को बोलेंगे परपरागण। लेकिन ध्यान रहे एक बात, परपरागण के लिए जो दूसरा पौधा होना चाहिए वो पहले जैसे पहले वाले पौधे के जात का ही होना चाहिए। अर्थात यदि ये आम का पौधा है तो ये पौधा भी आम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आम का पौधा है और ये कटहल का पौधा है, आम के पौधे का परागकण कटहल के पौधे के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो वो क्रिया परागण नहीं कहलाती है, उसे परागण हो ही नहीं सकता। ठीक है, परागण क्या होता है, परागण एक फूल का परागकण उसी फूल के स्वपरागण, एक फूल का परागकण उसी फूल के स्टिग्मा या फिर उसी पौधे के अन्य फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उसे स्वपरागण कहेंगे। और परपरागण एक फूल का परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो उस क्रिया को बोलेंगे परपरागण। ठीक है, अभी स्वपरागण का डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या होता है डेफिनेशन, फूल के पराग कण एक फूल के पराग कण एक फूल के पराग कणों का उसी फूल के स्टिग्मा या उसी पौधे के अन्य फूल के स्टिग्मा पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक, तो परपरागण क्या है, एक फूल के परागकणों का किसी दूसरे फूल जो एक ही जाति के हो जो एक ही जाति के हो उसके स्टिग्मा पर जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं, परपरागण
कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ हम लोगों का स्वपरागण और परपरागण के बारे में। अब ये परपरागण, परागण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। माध्यम मतलब जो एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर परागकण जाएंगे तो किसके द्वारा जाएंगे, कौन लेकर जाएगा इसको। तो अलग अलग माध्यम की सहायता से परपरागण की क्रिया होती है। पक्षी के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, इन सभी माध्यमों के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है। तो माध्यम के बारे में बताएंगे, इसके लिए पहले आप लोग इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो इसके बाद हम लोग का है परपरागण के कारण, यानी परपरागण जो है वो किस किस माध्यम के द्वारा होता है। तो परपरागण के कारक, यानी परपरागण किस किस माध्यम के द्वारा होता है। तो परपरागण होता है, परपरागण होता है वायु द्वारा। माध्यम क्या क्या है परपरागण का, वायु है, जल है, फिर वायु, जल, कीट, पक्षी द्वारा परपरागण होता है। ठीक, अब वायु द्वारा परपरागण कैसे होता है और कौन कौन से पौधे में वायु द्वारा परपरागण होता है। ठीक है, तो वायु द्वारा परपरागण, वायु द्वारा परपरागण, तो कौन कौन से पौधे में वायु द्वारा परपरागण होता है। तो वो पौधा है धान, मक्का, पौधों में किसके द्वारा ये होता है, वायु द्वारा परपरागण होता है, वायु द्वारा परपरागण होता है। क्या होती है कि जो धान और मक्का की जो परागकणें होती है वो बहुत हल्की होती है, इन पौधों के पराग कण बहुत हल्के तथा शुष्क होती है, तथा शुष्क होती है। हल्का और शुष्क होगा तभी ना पराग कण को वायु उड़ा कर अपने साथ लेकर जाएगा। अगर हल्का और शुष्क होगा ही नहीं तो पराग कण उड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो धान और मक्का के जो पराग कण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, ताकि वायु का जब झोंका बहता है तो उस झोंके के साथ बहुत सारे पराग कण, धान और मक्का के बहुत सारे पराग कण उड़ कर अन्य धान मक्का के स्टिग्मा के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, और जिससे परागण की क्रिया हो जाती है, नए निषेचन की क्रिया हो जाती है और नए संतान की उत्पत्ति होती है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अच्छा, तो इन पौधे का जो परागकण होता है वो बहुत हल्का और शुष्क होता है, और जिन पौधे का परागकण बहुत हल्का और शुष्क होता है उन पौधे को, तथा इन पौधे को इन पौधा जिन पौधे का परागकण बहुत हल्का और शुष्क होता है इन पौधे को एनिमी फिलस कहते हैं, एनिमी फिलस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जल द्वारा, जल द्वारा। तो कौन कौन से पौधे जो है जल, जिन पौधों में जल द्वारा परागण की, परपरागण की क्रिया होती है, तो वो पौधे हैं हाइड्रिला, हाइड्रिला, ठीक, वो पौधे हैं वैरिसनेरिया, हाइड्रिला हुआ, वैरिसनेरिया हुआ, जलकुंभी, जलकुंभी, इन सभी पौधों में बहुत ज्यादा मात्रा में परागकण इन सभी पौधों में बहुत ज्यादा मात्रा में परागकण निकलते हैं,
निकलते हैं। ठीक, क्या होता है कि ये जो हाइड्रिला हुआ, वैलिसनेरिया हुआ और जलकुंभी, जो जलकुंभी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, हाइड्रिला और वैलिसनेरिया नया नाम है, लेकिन ये सभी पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं और ये पौधे जो है अपने परागकण को जल में ही छोड़ देते हैं और वो परागकण जल में तैरते तैरते मतलब जल जब बहता है तो जल के बहाव के साथ परागकण दूसरे हाइड्रिला या फिर दूसरे जलकुंभी, दूसरे वैलिसनेरिया पौधे के स्टिग्मा के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, जिससे नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। और जिन जो पौधे अपने परागकणों को जल में छोड़ते हैं उन पौधों को बोलते हैं हाइड्रोफिलिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिस। इन पौधे को, इन हाइड्रो मतलब होता है पानी, इन पौधों को हाइड्रोफिलिस कहते हैं, हाइड्रोफिलिस कहते हैं। देखिए वो जल के बारे में हम लोगों का, जल के बाद है पक्षी द्वारा, कीट द्वारा परागण। तो इसके लिए पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। 1 2 3 4 मिटाया। कीट द्वारा परागण, तो किन किन पौधों में कीटों द्वारा परागण होता है? तो वो पौधे हैं आम, जामुन, जामुन फलों का राजा कौन? आम। ठीक, आम में, जामुन में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? आम जामुन फलों में मधुमक्खी, मधुमक्खी एक कीट ही है, इंसेक्ट है, मधुमक्खी रस चूसने के लिए, चूसने के लिए इसके फूल पर आती है, इसके फूल पर आती है तथा जिसके फल स्वरूप, जिसके फल स्वरूप परागकण इसके इसके पैर, पैरों तथा सर में चिपक जाते हैं, जाते हैं। फिर जब यह मधुमक्खी किसी अन्य पौधे जो उसी जाति का हो, अगर ये आम के पेड़ का रस चूसी है और वो फिर दूसरे आम के पेड़ का रस चूसने जाएगी अन्य पौधों के फूल पर जाती है तो परागकण उसके स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जिससे क्या होता है? पक्षी द्वारा, कीट द्वारा परागण की क्रिया हो जाती है। और कीटों द्वारा परागण करने वाले पौधे को क्या होगा? कीटों द्वारा परागण करने वाले पौधे को एंटी, यहां पर लिखा है पौधे को एंटी फिल्स कहते हैं। ठीक, ये हुआ हम लोगों का कीट द्वारा परागण। और एक पौधा है जो कीट द्वारा परागण करता है, उस पौधे का नाम है नीम। नीम में भी कीट द्वारा ही परागण होता है। ठीक है, आइए समझ में ना कैसे परागण हो रहा है। मधुमक्खी आ रही है एक पौधे के, जैसे आम
जामुन नहीं, किसी में से किसी भी पौधे का अगर बात करें, मान लीजिए कि आम का ही बात करें, अपना फेवरेट है, ठीक। तो आम के पेड़ के फूल के ऊपर जब यह बैठेगी रस चूसने के लिए, तो जो उस फूल का जो परागकण है उसके पैर और सर में चिपक जाते हैं, और फिर वह लालची मधुमक्खी जब दूसरे फूल के, दूसरे आम के फूल के स्टिक में, फूल के ऊपर जाती है, तो वही इस फूल का परागकण उस फूल के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाता है, जिससे परागण क्रिया हो जाती है और नए पौधे का जन्म होने की संभावना रहती है इसके फलस्वरूप। इसके बाद है पक्षी द्वारा परागण। पक्षी द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, परापरागण, परागण। तो कौन कौन से पौधे जो वो पक्षी द्वारा परागण करते हैं? तो पक्षी द्वारा परागण करने वाले पौधों में एक पौधा है सीमू, दूसरा है कैना, कैना और सीमू हुआ, कैना हुआ, फिर एक है बिगोनिया, बिगनोनिया, बिगनोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं। बिगनोनिया क्या है? बिगनोनिया में जो प्रजनन होता है पत्थर पत्तियों द्वारा भी होता है, पत्तियों द्वारा भी होता है, ठीक है, बिगनोनिया हुआ। तो सीमुल, कैना और बिगनोनिया के पौधे के ऊपर जब पक्षी आती है रस चूसने के लिए, तो उसके फूल के जो पराग कण है उसके डैनों पे चिपक जाते हैं, पैरों में चिपक जाते हैं, और वही लालची पक्षी जब किसी दूसरे फूल के, दूसरे पौधे के फूल के ऊपर जाती है रस चूसने के लिए, तो इस फूल का पराग कण उस फूल की स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाता है, जिससे नई पौधे की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो पक्षी द्वारा जिन पौधों में परागण होता है उस पौधों को बोला जाता है ऑर्नियोफिल्स। उस पौधे को क्या बोलते हैं? ऑर्नियोफिल्स, ऑर्नियोफिल्स, ठीक है। पक्षी द्वारा जिन पौधों में परागण होता है उन पौधों को बोला जाता है ऑर्नियोफिल्स। तो ये हुआ हम लोगों का परागण के कारक। तो परागण होता है वायु द्वारा, वायु द्वारा प्रजनन परागण करने वाले पौधे हैं धान मक्का। परागण होता है जल द्वारा, जल द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे हैं हाइड्रिला, जलकुंभी, ठीक है। फिर है पक्षी द्वारा, कीट द्वारा, कीट द्वारा परागण करने वाले पौधे हैं आम, नीम, जामुन, और उसके बाद है पक्षी द्वारा, तो पक्षी द्वारा परागण करने वाले पौधे हैं सीमू, कैना, बिगोनिया। ये सीमू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछते ही रहता है, ठीक ना। इसके बाद परागण से क्या लाभ और क्या हानि है, और स्व परागण से क्या लाभ और क्या हानि है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग फटाफट अपने नोटबुक में उतार लीजिए, इसके बाद इसे हम मिटा लेंगे। इसके बाद है स्व परागण के लाभ, पहले लाभ पढ़ते हैं इसके बाद हानि पढ़ते हैं। तो लाभ क्या होता है? स्व परागण के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें माता और पिता दोनों के गुण उपलब्ध रहते हैं। पहला लाभ क्या है? माता तथा पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, गुण संतान में, संतान में पाया जाता है। स्व परागण के द्वारा माता के भी गुण और पिता के भी गुण, दोनों के भी गुण संतानों में जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? स्व परागण के लिए फूलों को बड़ा आकर्षक, आकर्षित, आकर्षक और सुगंधित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसी फूल की स्टिग्मा के ऊपर जाएगा ना, या फिर उसी पौधे के अन्य फूल की स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो स्व परागण के लिए फूलों का बड़ा और आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि बड़ा और आकर्षक होने से क्या होता है कि पक्षी जो है वो आकर्षित होती है,
इसमें बड़ा और आकर्षक सुगंधित होगा तो पक्षी आकर्षित होगी और अच्छे से हो पाएगा परागण। लेकिन स्व परागण में फूलों का बड़ा होना सुगंधित होना आवश्यक नहीं है। इसमें दूसरा लाभ है, इसमें फूलों का बड़ा आकर्षित तथा सुगंधित होना आवश्यक नहीं है। ठीक, ये हुआ हम लोग स्व परागण के लाभ। इसके बाद है स्व परागण के हानि। तो स्व परागण के हानि क्या है? तो स्व परागण की जो हानि है, यदि स्व परागण पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी स्व परागण की क्रिया होने से, पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्रिया होने से वह प्रजाति कमजोर हो जाती है। वह प्रजाति क्या होती है? कमजोर हो जाती है। और दूसरा क्या है? ये तो पहला है, और दूसरा क्या है? इसमें जो संतान उत्पन्न होगा, जो प्रजाति उत्पन्न होगी, उसमें नए गुण कभी नहीं आएंगे। हमेशा एक ही घिसा पिटा गुण, वही माँ बाप का गुण आते रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें नए गुण कभी नहीं इस प्रजाति में। इसके फलस्वरूप नए गुण प्रजाति में नहीं आएंगे। तो ये हुआ हम लोगों का स्व परागण के हानि। इसके बाद हम लोगों का है परापरागण के लाभ और परापरागण के हानि। इसके बाद है परापरागण के लाभ। तो परापरागण के लाभ क्या है बच्चों? तो परापरागण का पहला लाभ है कि परापरागण के द्वारा संतानों में नए गुण आते हैं। दूसरा है कि परापरागण के द्वारा जो संतान आएंगे वो काफी ज्यादा स्वस्थ होंगे। और तीसरा है, अगर ज्यादा स्वस्थ होंगे तो जो संतान होंगे वे अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक, तो पहला लाभ लिख रहे हैं यहां पर। इस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतानों में उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा इसका, अगर अधिक स्वस्थ होंगे तो अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आम भाई कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतान अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तीसरा क्या है कि परापरागण के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें नए लक्षण आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, इसके द्वारा संतानों में नए लक्षण आने की संभावना बहुत अधिक ज्यादा होती है। ठीक, तो ये हम लोगों का परापरागण के लाभ।
बाद परापरागण की हानि, तो परापरागण का क्या हानि है? तो सबसे पहला हानि यही है कि परापरागण होने की संभावना ही बहुत कम होती है। परागकण उड़ कर जाएगा तो क्या गारंटी है कि वह स्टिग्मा के ऊपर चिपकेगा ही, और स्टिग्मा के ऊपर यदि परागकण नहीं चिपकेगा तो परागण की क्रिया हो ही नहीं सकती है। ठीक, तो कोई गारंटी नहीं होती कि परापरागण होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में? तो पहला हानि यही है कि यह क्रिया होने की संभावना बहुत कम होती है, यह क्रिया होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि परापरागण के समय बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि आम धान हवा बह रहा है और हवा अपने साथ धान के पराग कणों को उड़ाकर लेकर जा रहा है, तो रास्ते में ही कितने सारे पराग कण नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही पराग कण जो सर्वाइव करते हैं उस हवा में वो बचते हैं और दूसरे धान के पौधे के स्टीमर के ऊपर जाकर चिपक पाते हैं। तो इसमें पराग कणों की बहुत ही ज्यादा हानि होती है, इसमें पराग कणों की बहुत ज्यादा हानि होती है। तीसरा क्या है कि पराग परापरागण होने के लिए फूलों का आकर्षण होना आवश्यक है, फूलों का बड़ा होना आवश्यक है, फूलों का सुगंधित होना आवश्यक है। नहीं तो कौन आएगा भाई? कौन मधुमक्खी आएगी, कौन कीट पतंग आएगा, कौन पक्षी आएगा फूल का रस चूसने के लिए यदि वो फूल सुंदर ही ना हो, यदि वो फूल आकर्षक ही ना हो, यदि वो फूल बड़ा ही ना हो। ठीक, तो इसमें फूलों को बड़ा आकर्षित सुगंधित होना आवश्यक है। ये है हम लोगों का परापरागण के हानि। ठीक, तो परागण चैप्टर हुआ हम लोगों का, परागण टॉपिक हुआ हम लोगों का कंप्लीट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसको अभी हम करवा देंगे जो पिछले वीडियो में छूट गया था, वह टॉपिक है निषेचन के प्रकार। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग उतार दीजिए अपने प्यारे प्यारे हैंडराइटिंग से। तो इसके बाद का हम लोगों का टॉपिक है निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो निषेचन के कितने प्रकार होते हैं इसको बताने के पहले आप लोगों से ये मैं पूछना चाहूंगा कि निषेचन किसे कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम बताए भी थे, किसे कहते हैं निषेचन? ठीक, मैं बता रहा हूं। तो नर गैमेट के मादा गैमेट से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन किसे कहते हैं? नर गैमेट का मादा गैमेट से संयोग करने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं।
जब नर और मादा गैमेट एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वही क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब ये निषेचन होता है दो प्रकार का, और वो दो प्रकार का निषेचन कौन कौन से है, एक है अंतः निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। ठीक है, एक है अंतः निषेचन और एक है बाह्य निषेचन। तो अंतः निषेचन किसे कहते हैं, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ही संपन्न होती है, यानी कि शरीर के अंदर ही नर गैमेट और मादा गैमेट शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तो उस तरह का जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, अंतः निषेचन कहलाता है। लिख रहे हैं यहाँ पर, जब निषेचन की क्रिया चौक कहाँ है, सफेद, जब निषेचन की क्रिया नर शरीर के अंदर ही संपन्न होती है, अंदर ही संपन्न होती है तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ही संपन्न होती है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। और अंतः निषेचन जो होता है, अंतः निषेचन करने वाले प्राणी कौन सा है, हम मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है, डॉग हुआ, कैट हुआ, रैट हुआ, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सबके सब, ऐसी बात नहीं कि स्तनधारी प्राणी, कुछ उभयचर प्राणी भी है वो भी निषेचन की क्रिया जो है उनके अंदर निषेचन की क्रिया जो है वो पक्षी वर्ग के भी प्राणियों के अंदर निषेचन की क्रिया जो है वो शरीर के अंदर ही संपन्न होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर अंतर निषेचन का बोला जाएगा तो क्या हो सकता है, मनुष्य, फिर पेड़ पौधे में भी, उच्च श्रेणी के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ही संपन्न होती है, फिर स्तनधारी प्राणी की क्रिया स्तनधारी प्राणी में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन क्या होता है, तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उस तरह के निषेचन को कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उस निषेचन, तो इसे कौन सा निषेचन कहेंगे, बाह्य निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं, तो बाह्य निषेचन करने वाले जीव जितने भी एम्फीबियंस यानी कि उभयचर प्राणी जो है वो बाह्य निषेचन करते हैं, जैसे कि मेढक हुआ, जलचर प्राणी भी बाह्य निषेचन करते हैं, जैसे कि मछली, ये सबके सब जो प्राणी हैं वो कौन सा निषेचन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। कैसे करते हैं, ये सब जो प्राणी हैं अपने अंडाणु शुक्राणु को पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं। ठीक, ये सब जो प्राणी हैं अपने अंडाणु और शुक्राणु को कहाँ छोड़ देते हैं, पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो वो अंडाणु और शुक्राणु तैरते तैरते एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो शरीर, ये जो मिलन की क्रिया हो रही है वो शरीर के अंदर ही ना हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, शरीर के बाहर। और शरीर के बाहर यदि निषेचन की क्रिया होगा तो उस तरह के निषेचन को कौन से निषेचन कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। और बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी कौन कौन से हैं, मछली हुआ, मेढक हुआ, ये सबके सब प्राणी कौन सा निषेचन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है, अब पिछले क्लास में आप लोगों को एक बताए थे कि निषेचन की क्रिया एक दोहरा निषेचन था, जब एक मेल गैमेट जो है एक बार अंडे के साथ निषेचन की क्रिया कर रहा था और एक बार निर्दिष्ट केंद्रक के साथ, एक मेल गैमेट जो था किसके साथ, एक यहां पर कुछ अंड था
यहाँ पर कुछ अंड था, दो अंड बीच में था और तीन अंड किनारों पर, तो इस वाले अंड के साथ निषेचन कर क्या बनाता था, भ्रूण, और इस वाले जो निर्दिष्ट केंद्रक है उसके साथ निषेचन कर क्या बनाता था, भ्रूण कोष बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है तो उस तरह के निषेचन को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, भ्रूण पहला जो निषेचन हो रहा है यानी कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जा रही है, एक शुक्राणु एक अंडाणु मिल रहा है और क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जा रही है, 46, 2n। लेकिन भ्रूण कोष में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी, भ्रूण कोष में कितनी होगी क्रोमोजोम की संख्या, तो भ्रूण कोष में ध्यान से देखिएगा तो तीन दो अंड है और एक मेल फीमेल जाकर इसके साथ मिल जा रहा है, तो दो, जो दो अंड है वो दो अंड का एनएन क्रोमोजोम तीसरे मेल गैमेट के साथ जब मिल रहा है तो 3n क्रोमोजोम मिल हो जा रहा है, यानी कि इसमें जो है क्रोमोजोम की संख्या 3n हो रहा है और इसमें क्रोमोजोम की संख्या ये 46 नहीं है, तो मनुष्यों का बात कर रहे हैं, मनुष्यों में 46 होता है, लेकिन भ्रूण में कितना होता है, क्रोमोजोम 2n में रहता है और भ्रूण कोष में क्रोमोजोम कितना होता है, 3n। आप लोग खुद देख लीजिए, दो निर्दिष्ट केंद्र था और इसके साथ एक मेल गैमेट जाकर मिल गया और मिलकर क्या किया, देखिए इसका एन और इसका एन, हर एक के अंड जो है वो डिप्लॉयड अवस्था में रहता है यानी कि एन अवस्था में रहता है, उसमें क्रोमोजोम जो होती है वो हमेशा बिना जोड़े में रहती है, डिप्लॉयड में रहती है। ठीक है, तो इसमें जब भ्रूण कोष में क्रोमोजोम कितना होता है, 3n होता है। ठीक है ना, तो ये होगा हम लोगों का परागकण पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।